हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी यूट्यूब की फैमिली स्ट्रांग बनाने के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 उनके वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में ही इसके पहले जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन चैप्टर को भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिए अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार। हमें ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो दोनों भी यूनिट वेक्टर्स हर किसी को परपेंडिकुलर हो, मतलब यू बार को परपेंडिकुलर हो और वी बार को भी परपेंडिकुलर हो। हमें इस प्रकार के दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, दो यूनिट वेक्टर, ये भी u बार v बार को परपेंडिकुलर रहेगा और ये यूनिट वेक्टर भी u बार v बार को परपेंडिकुलर रहेगा। हमें ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो दोनों भी यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार, और यहाँ पे हमें u बार v बार का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर, जिस प्रकार का यूनिट वेक्टर हमें चाहिए उस प्रकार का यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए सोल्यूशन हम कंसीडर करेंगे, लेट ए कैप बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार। यूनिट है इसलिए हमने कैप लिया। ठीक है, लेट ए कैप बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार। अब ये परपेंडिकुलर है तो डॉट की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में। हमें पता है अगर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है तो उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, पता है आपको। तो फिर अगर ए कैप U बार को परपेंडिकुलर है और A कैप V बार को परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, A कैप डॉट U बार इक्वल्स टू जीरो, चलेगा। एंड A कैप डॉट V बार इक्वल्स टू जीरो, क्यों, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब देखिए हम यहां पे A कैप U बार A कैप V बार इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब A कैप की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, V बार U बार हमें पता है, A कैप पता नहीं है। चलो हम कंसीडर करते हैं, सपोज यहाँ का A कैप इस प्रकार का हो, एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सपोज हम कंसीडर कर रहे हो, हमें वही तो फाइंड करना है। मतलब हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ए कैप ही फाइंड करना है, हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। लेकिन ऐसे दो वेक्टर फाइंड करने, हमने एक ही कंसीडर किया, क्या क्या लिया हमने, ए कैप, और ए कैप हमने क्या लिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली हम फाइंड कर सके तो फिर हमें ए कैप ऐसा वेक्टर मिलेगा जो यूनिट भी है और u बार v बार को परपेंडिकुलर भी है। तो हमारा इंटरेस्ट अब
फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड ये रहेगा हमारा इंटरेस्ट क्या है अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड समझ रहे हैं ना आप बस यही करना है हमें अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं ए कैप डॉट यू बार इक्वल्स टू जीरो है ए कैप डॉट वी बार इक्वल्स टू जीरो है देखते हैं ये दोनों बातें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रोड्यूस कर देते हैं क्या ठीक है हम यहाँ पे ए कैप रखेंगे व्हाट इज ए कैप है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मैंने जेड थोड़ा सा इस प्रकार से लिखा है क्योंकि कभी जेड अगर फास्ट में लिखूंगा तो शायद वो टू जैसे दिखेगा ठीक है ना तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपका इसलिए मैंने जेड इस प्रकार से लिखा है डॉट यहाँ पे मुझे यू बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप इक्वल्स टू जीरो ठीक है हमने ए कैप और यू बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है अब हम ए कैप और वी बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट वी बार क्या है हमारे पास आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब देखिए हमें इन दो वेक्टर का डॉट लेना है डॉट आपको पता है फिर एक बार मैं बताता हूँ जब भी वेक्टर हमें कंपोजिशन फॉर्म में दिए जाएंगे कंपोजिशन मींस जिसमें आई कैप जे कैप के कैप रहेगा ठीक है ना तो देखिए अब ये एक्स वाई जेड तो कंपोनेंट हो गए ए कैप के यू बार के कंपोनेंट्स कौन है टू वन माइनस टू उसके आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहेंगे ठीक है अब देखिए जब भी हमें दो वेक्टर का डॉट लेना है जिनको डॉट पता नहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डॉट पता नहीं होगा कैसे लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा कैसे लेते हैं अब जिनको पता नहीं उन्होंने इस तरफ ध्यान देना है और इसके बाद भूलना नहीं है किस प्रकार से डॉट लेते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा डॉट की डेफिनेशन डॉट की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन तो एक ही है ठीक है ना लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत बहुत बातें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी सीख सकते हैं ठीक है ना मतलब प्रॉब्लम की तरफ से हम डेफिनेशन की तरफ जा सकते हैं प्रॉब्लम की तरफ से हम नियम की तरफ जा सकते हैं ठीक है तो इसे उद्गामी मेथड कहा जाता है उद्गामी मतलब एग्जाम्पल लेंगे हम उदाहरण लेते हैं और फिर उदाहरण लेके हम नियम की तरफ या फिर व्याख्या की तरफ किसी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम इसी तरह से सीखते हैं ठीक है ना हमें एक्सपीरियंस आते रहते हैं फिर उससे हम रूल बनाने लगते हैं एक्सपीरियंस जो भी आया दो चार दस बारह बार जो एक्सपीरियंस आया तो उससे हम एक रूल बना लेते हैं तो एक्सपीरियंसेस ये हो गए हमारे लिए प्रॉब्लम हर कोई प्रॉब्लम आपको एक्सपीरियंस दे के ही जाएगा हर कोई प्रॉब्लम हर कोई समस्या आपके लाइफ में सिर्फ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए कुछ नया चांस देने के लिए ही आती है जब भी समस्या आपके लाइफ में आएगी तो देखिए आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे जिसके लाइफ में समस्या नहीं रहेगी वो कुछ भी नहीं सीखेगा तो हमारी लाइफ में समस्या होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है चलो अब हमें दो वेक्टर का डॉट लेना है कैसा लेना है डॉट मैं बताता हूँ आपको यहाँ के आई कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ के आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है नॉर्मल प्रोडक्ट 2x एक्स इंटू टू टू एक्स फिर बाद में प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ का जे कैप का कोएफिशिएंट दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है ये मिलेगा हमें y यहाँ का k कैप का कोएफिशिएंट z यहाँ का k कैप का कोएफिशिएंट माइनस टू तो ये बनेगा हमारे पास माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो एंड क्या अब यहाँ के i कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ के i कैप का कोएफिशिएंट इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास x यहाँ के j कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ के j कैप का कोएफिशिएंट इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 2y यहाँ के k कैप का कोएफिशिएंट यहाँ के k कैप का कोएफिशिएंट ये बनेगा वैसे तो प्लस लेते हम लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस होगा माइनस टू जेड अब आपको समझा होगा दो वेक्टर का डॉट लेना है सिंपली क्या करना है
दोनों वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उसकी सम लेनी है। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट। हमें पता है वेक्टर्स के लिए दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा स्केलर, सॉरी दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस हमें आगे हमारे लिए यूजफुल है, फिर आगे देखेंगे क्रॉस हम कैसे लेते हैं। तो अभी तो आपने सीख लिया डॉट कैसे लेते हैं। सिंपल सी चीज है। क्या करना है? दोनों वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उसका हमें सम लेना है। अब देखिए हमारा पर्पज है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना, लेकिन यहां पे एक्स वाई जेड तीन अननोन है और इक्वेशन दो है। जितने अननोन होते हैं अगर उतने इक्वेशंस रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए हम मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड वगैरह, ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्रामर्स रूल यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट यूज करके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वेरिएबल तीन है और इक्वेशन हमारे पास दो ही, हमारे हाथ में इक्वेशन दो ही है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ की वैल्यूज हम प्रपोर्शन में फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लेते हैं। फिर हम एक्स लेना है इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू जेड, याद रखना है आपको। और अब क्या करना है, हर एक का डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना है। हर एक का डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब मतलब सॉरी x का डिटर्मिनेंट जब लेंगे हम, x का डिटर्मिनेंट जब हमें लेना है तो हम x को स्कीप कर देंगे दोनों इक्वेशन से, और क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के y z के कोएफिशिएंट, जैसे इस इक्वेशन में y z के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में लिखेंगे और इस इक्वेशन के y z के कोएफिशिएंट सेकंड रो में लिखेंगे 2-2, समझ रहे आप। फिर उसी तरह से हमें क्या करना है, जब हमें y का डिनोमिनेटर लेना है तो हम y दोनों इक्वेशन से y की टर्म स्कीप कर देंगे, हमारे पास xz है तो इस इक्वेशन से एक्स जेड के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखेंगे और इस इक्वेशन से ये 2y को तो छोड़ दिया हमने, एक्स जेड के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ का z हमें छोड़ देना है, z का डिनोमिनेटर लेते समय एक्स वाई के कोएफिशिएंट 2-1 और यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1-2। इस प्रकार से एक्स वाई जेड के डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब देखिए इसका वैल्यू तो बहुत सिंपल है। अब एक्स अपॉन क्या मिलेगा हमें, एक्स अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट -2, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, ये +4 हो जाएगा, -y अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × -2 -2, यहाँ पर यह +2 बनेगा, इक्वल्स टू जेड अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 4-1, ठीक है ना। इसे मैं इधर लिखता हूँ। अब देखिए इन डिटर्मिनेंट को हमने तो सॉल्व किया है, अब आगे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x अपॉन क्या मिलेगा 2, x अपॉन कितना रहेगा 2, ये -y/-2 आएगा, -y/-2 मतलब y/2, फिर z/3 मिलेगा, z/3, और इनके इक्वल टू हम लैम्बडा कंसिडर करेंगे, इन सभी के इक्वल टू हमने लैम्बडा कंसिडर किया। तो इसका मतलब x/2 इक्वल्स टू लैम्बडा है, y/2 इक्वल्स टू लैम्बडा है, z/3 इक्वल्स टू लैम्बडा है। तो x=2 λ बनेगा, y=2 λ बनेगा, z=3 λ बनेगा, ठीक है ना। x=2 λ, y=2 λ, z=3 λ। नाउ लुक हियर, अब हम वेक्टर a कैप कंसिडर करते हैं, देयरफॉर a कैप इक्वल्स टू क्या रहेगा, क्या है हमारे पास a कैप, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 2λ i कैप प्लस 2λ j कैप प्लस 3λ k कैप, समझ रहे हैं ना आप।
बट वॉट इज ए कैप? इट इज यूनिट वेक्टर, सिंस ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या, तो इसका मतलब इसका मॉड यहाँ पे वन आना चाहिए। मॉड ऑफ ए कैप का वैल्यू क्या बनेगा? वन। तो ये रहेगा अंडर रूट टू लैम्बडा स्क्वायर, मतलब फोर लैम्बडा स्क्वायर। अब ये भी देखिए, मॉड कैसे लेते हैं हम? किसी भी वेक्टर का, चाहे यूनिट रहो या ना रहो, किसी भी वेक्टर का जब हमें मॉड लेना है तो हम क्या करेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है उनके स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर रूट। उनके आई कैप, जे कैप के कोएफिशिएंट, उनका स्क्वायर, फिर उनका सम और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट में टू लैम्बडा का स्क्वायर प्लस टू लैम्बडा का स्क्वायर प्लस थ्री लैम्बडा का स्क्वायर, तो फोर लैम्बडा स्क्वायर प्लस फोर लैम्बडा स्क्वायर प्लस कितना, नाइन लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू वन मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट 17 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 7 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू वन मिलेगा, ठीक है ना? अगर 7 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू वन है इसका मतलब, सॉरी नॉट 7, 17 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू वन है इसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 17। ये 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर, 8 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9, 17 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है ना? 17 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 17। अगर लैम्बडा स्क्वायर 1 अपॉन 17 है तो लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17। वेरी सिंपल, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है, समझ रहे ना? अब ये लैम्बडा का वैल्यू तो हमें प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 तो मिला है, ठीक है। अब हम ए कैप जो है वो ए कैप, इसमें लैम्बडा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 इन कहाँ, ए कैप। तो देखिए ए कैप हमें क्या मिलेगा, 2 लैम्बडा है, ठीक है ना? तो 2 लैम्बडा मतलब प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 आई कैप, ये 2 लैम्बडा हो गया। उसी तरह से प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप, ये 2 लैम्बडा हो गया। उसी तरह से प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 17 के कैप, ये यहाँ पे मिला है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या पूछा गया था, हमारा पर्पस था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। वो तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की इस तरह से वैल्यू मिल चुकी थी, लेकिन हमने फिर यूज़ किया मॉड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू वन, वाई बिकॉज ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो हमने लैम्बडा का वैल्यू फाइंड किया, आया हुआ लैम्बडा का वैल्यू हमने ए कैप में सब्स्टिट्यूट किया। तो इस प्रकार से हमें ए कैप तो मिला है, लेकिन कितने वेक्टर चाहिए? 2 वेक्टर चाहिए। फिर 2 वेक्टर कैसे रहेंगे, और यूनिट भी चाहिए, ए कैप तो यूनिट है ही, तो 2 वेक्टर क्या रहेंगे? एक बार हम प्लस कंसिडर करते हैं, एक बार माइनस कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स आर, ठीक है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 17 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 17 के कैप, एंड दूसरा क्या रहेगा, एंड दूसरा रहेगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 आई कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 17 के कैप। तो इस प्रकार से हमारे पास ऐसे 2 यूनिट वेक्टर्स रहेंगे, जो 2 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर है किसको, यू बार और वी बार को, और यही हमें फाइंड करना था। हमने रिक्वायर्ड वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देयरफॉर टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार आर, तो ये बहुत लंबा लाइन वहाँ पे बन जाता, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब इसमें सब कुछ आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर रहेंगे, जो दोनों यूनिट वेक्टर्स यू बार और वी बार को परपेंडिकुलर रहेंगे।
एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या दिया है? हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं सिंस ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों भी वेक्टर्स ईच अदर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना? ये दिया है हमें, देयरफॉर इसका मतलब क्या? अभी देखा हमने, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तब उस सिचुएशन में दोनों का डॉट जीरो रहता है, देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, ठीक है? तो प्रूव क्या करना है हमें, ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए हम ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर कंसिडर करते हैं, हमें पता है अगर मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर रहा तो इसे हम ए बार डॉट ए बार लिख सकते हैं। तो ए बार प्लस बी बार स्क्वायर को, मतलब ये मॉड ही है, ठीक है ना? चाहे तो आप इसे मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर ये यहाँ पे हम लिख पाएंगे ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। अब इन दोनों का अगर हम डॉट लेते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए इन दोनों का डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। अब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू जीरो रहेगा, वाई? बिकॉज ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट भी कॉमिटेटिव है। अगर ए बार डॉट बी बार जीरो है तो बी बार डॉट ए बार भी जीरो बनेगा, प्लस यहाँ पे बी बार डॉट बी बार मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू बी बार डॉट बी बार रहता है, और यहाँ पे भी ए बार डॉट ए बार ये मिलेगा मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। देयरफॉर देखिए ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। चाहे तो आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए बार मतलब ए और मॉड ऑफ बी बार मतलब बी, तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है? सपोज इसे कहा हमने फर्स्ट। अब उसी तरह से हम ये कंसिडर करेंगे, क्या ए बार माइनस बी बार ब्रैकेट स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। देखिए ए बार प्लस बी बार स्क्वायर को ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार लिखा, ए बार माइनस बी बार स्क्वायर को भी हम क्या लिखेंगे, ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। अब डॉट लेते हैं ए बार डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट ए बार मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर, ये ज़ीरो ये ज़ीरो प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, ठीक है ना? क्योंकि ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमारे पास जीरो है तो बी बार डॉट ए बार का वैल्यू भी जीरो ही रहेगा। अब देखिए हमें क्या मिला है, ए बार माइनस बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर, चलो इसे कहते हैं हम सेकंड, ठीक है? क्या लिख पाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? देखिए फर्स्ट और सेकंड में आरएचएस सेम है, तो इसका मतलब देयरफॉर ए बार प्लस बी बार स्क्वायर इक्वल्स टू ए बार माइनस बी बार स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है ना?